आपको बताएंगे आज कि आप चैन कैसे साफ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको लोग बताते होंगे कि आप मोटर लगाइए, चैन क्लीनर ले लीजिए वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें आपको बताते होंगे, लेकिन हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे चैन साफ करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आग की गोटी लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ये हम खोल लेंगे, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिक भाइयों के लिए, आप घर पे भी ये कर सकते हैं। इसको पहले हम खोल लेंगे, ठीक है। ये आपको गंदगी दिख रही होगी इसमें। सर हम आप क्या करेंगे, 10 की 10 का हैंडल लेंगे और ये चैन कवर ओपन कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें उलझन वाली बात नहीं है। नहीं आप सोचेंगे बहुत इसमें लेथन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 10 की गोटी लेनी है आपको और ये देखिए आप चैन कवर खोल लेंगे। बहुत आसान तरीका, ये आपको सभी ने बताया होगा, ज्यादातर आपने पहले भी बहुत वीडियो देखी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये सुपर स्प्लेंडर बाइक है, ज्यादातर हर गाड़ी में ऐसे ही बोल्ट लगे होते हैं, कोई अलग बोल्ट नहीं होते हैं। ये मैंने अलग कर दिए, ठीक है। ये देखिए आप कितनी डस्ट है, अभी हम आपको इसको साफ करके दिखाएंगे बिल्कुल। ये देखिए कितनी गंदी है। इसको जो है पहिया खोल के भी कर सकते हैं और पहिया ना भी खोले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये गाड़ी सर्विस के लिए आई है हमारी दुकान पे, तो हम इसकी चैन साफ पहिया खोल के करेंगे। और ये देख ले, मतलब सिर्फ पहिया पीछे वाला घूमता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहिया नहीं खोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। हम इसका सेटअप लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। आपको क्या करना है कि इतना बड़ा एक पेट्रोल पैप लेना है, या कहीं से आप रबड़ खरीद लें, या आप घर में भी कर सकते हैं और मिस्त्री भाई लोग भी कर सकते हैं जिनके पास एयर नहीं है, हवा की व्यवस्था नहीं है और क्या कहते हैं क्लीनर भी नहीं है, तो उनके लिए ये पेट्रोल पैप आप टंकी वाले उसमें लगा देंगे, नली में जहाँ पे आप पेट्रोल निकालते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेट्रोल को चालू कर लेंगे। ये देखिए मैंने पेट्रोल चालू कर दिया है, और बस ज्यादा नहीं, इसमें आप ये सोचे कि पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास तो अवेलेबल है, पहले ही से मैंने पुराना वाला जो मिट्टी का तेल होता है वो भर के रखा है। ऐसे ही धो लेंगे, इसको साफ कर लेंगे, जो ये जगह साफ हो जाए। देख रहे हैं आप, मैं क्लीन कर रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा गंदगी नहीं है। आप कोई छोटा सा तसला ले लें, मेरे पास तो ट्रे है, लेकिन आप तसला ले लें, कोई एक छोटी सी भी चीज ले लें जिसमें आपका बर्बाद ना हो, जो आगे चैन एंड कवर धोने के काम आ जाए, ठीक है। इसको मैंने गीला कर लिया। अब क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी। ये मैंने गाड़ी की चाल बढ़ा ली है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं इंजन तेज चलने लगता है। तो ये तो मिस्त्री भी कर सकते हैं और आप घर में भी कर सकते हैं, जिसको पता नहीं तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। तो आप उसमें क्या करेंगे, गियर डाल देंगे। ये उनके लिए भी है जिनके पास एयर की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि अभी मेरे पास नहीं है, एयर टैंक नहीं है, तो मैं हवा मार नहीं सकता, प्रेशर से साफ हो नहीं सकती। तो क्या करेंगे, नॉर्मल सा ये दांतों वाला बुरश है, कोई अच्छी वो नहीं है मेरे पास जिससे मैं साफ करूं। ये देखिए इसको चालू कर लेना, ऐसे लगा देना है, बस ज्यादा पेट्रोल नहीं बर्बाद होता है, इसमें ज्यादा ज्यादा 150-200 ग्राम पेट्रोल बर्बाद होता है, बस इसको ऐसे साफ करते रहेंगे। अभी देखना आप, बिल्कुल चैन क्लीन हो जाएगी। ये देखिए आप देख रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। और ये ख्याल रखिए कि उल्टे साइड ना लगाएं, इतना तो सबको पता होता है कि अगर उल्टे साइड लगा देंगे तो चैन के अंदर चला जाएगा वो। ये देखिए इसमें कोई ज्यादा पेट्रोल बर्बाद नहीं हो रहा, बिल्कुल हल्का सा निकलना है, तो और कुछ नहीं करना आपको। बहुत आसान तरीका है, आप समझ सकते हैं इसको। ये देखिए दांतों वाला ब्रश चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिससे आपको खरीदना पड़े बाजार में, बहुत ही मद्दा तरीका, सिर्फ पेट्रोल बर्बाद होगा। ये उनके लिए भी है जो हाथों से घंटों रगड़ते हैं दुकान पे अपनी चैन, और क्या कहते हैं हाथ भी काले हो जाते हैं, इससे हाथ भी काले नहीं होते और ना ही कुछ होता है। ये मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए भी है, अभी तक आपने वीडियो तो देखे होंगे मगर उनने ये तरीका नहीं अपनाया। गाड़ी आप बंद करेंगे जब आप चैन क्लीन हो जाए, तो उसके बाद में आप ऐसी कोई डस्ट लगी भी हो तो वो उसके चैन चलने से साफ हो जाए। ये देखिए आप,
और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चैन क्लीन हो चुकी है। ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, ना ही कोई कचड़ा फंसा है। ये देखिए आप, बिल्कुल इसमें कोई भी कचड़ा नहीं है। बस आप ऐसे ही साफ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये उन मैकेनिक भाइयों के लिए भी है जो घंटों चैन रगड़ते हैं, हाथ भी काले हो जाते हैं और मुंह भी काला हो जाता है, उसके लिए ये आरामदायक है बहुत ज्यादा। और सफाई का काम है, कोई भी इसमें गंदगी नहीं रहती है, बिल्कुल चैन साफ हो जाती है। और हमारे पास हवा भी अवेलेबल नहीं है तो बहुत दिक्कतें आती है ना, तो उनके लिए बहुत आरामदायक है। एक बार आप यूज करके देखें, एक बार मिलते हैं अगली। उनकी बिल्कुल चैन साफ हो चुकी है, ये देखिए आप, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक भी कड़िए में दिक्कत हो या कुछ भी हो, देखिए आप बिल्कुल साफ है, बिल्कुल। ऐसे ही आप अपनी दुकान पे भी कर सकते हैं, जिस किसी भाई मैकेनिक भाई की शॉप हो या जिस किसी को घर पे चैन साफ करना हो तो वो भी कर सकता है। ना ज्यादा खर्चा, ना ही कुछ, बस थोड़ा सा पेट्रोल और एक दांतों वाला ब्रश, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको, इतना ही चाहिए। ये देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है चैन। ये मेरा चैन क्लीनिंग का वीडियो है, आप देख सकते हैं। और भी वीडियो पड़े हैं कि और कैसे क्या करना है, आप देख सकते हैं।